जन वल्लभ गिरिवर धारी Oh, no, 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 no.
हर स्थान में हम संकीर्तन करते हैं, लेकिन श्रीवास आंगन में भगवान संकीर्तन करते हैं। इसलिए यहाँ जोर से बोलना चाहिए, डायरेक्ट हम भगवान के लिंक में, मतलब भगवान के संकीर्तन में शामिल हो सकते हैं। यहाँ जोर से कीर्तन करेंगे, इसलिए सब लोग बोलिए, नीताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नीताई गौर
जब नित्यानंद प्रभु ने आलिंगन किया जगाई को, तो मधाई को भी भगवान ने क्षमा कर दिया। फिर श्रीवास शंकर ने आए और यहां भगवान ने पूरे नवदीप के सब भक्तों को बुलाया, हमको देखना है क्या हो रहा है, इतना विशाल कीर्तन हमको देखना है। एक बार तो नवदीप के वासी लोग, गोपाल चपल नाम का एक ब्राह्मण था, वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने श्रीवास आंगन के दरवाजे के बाहर एक मदिरा का मटका रख दिया और देवी को पूजा करने का सिंदूर और वो सब रख दिया रात को। और दूसरे दिन सुबह के टाइम में श्रीवास ठाकुर ने जब दरवाजा खोला तो उसने पूरे नवदीप को लाके बोला, देखो ये श्रीवास आंगन में रात को खाली मदिरा पीते और कन्याओं के साथ नाचते हैं, ऐसा करके वो, क्योंकि उसको अंदर प्रवेश नहीं मिला इसलिए वो अंदर से जलने लगा। और जब उसने श्रीवास ठाकुर के प्रति इतना वहां अपराध किया तो उसको गोपाल चपल को दूसरे ही दिन कुष्ठ रोग हो गया, उसका नाक पिघल गया, उसका हाथ पिघल गया सब, और उसको जाके बाहर गंगा के किनारे में कुटिया बना के रहना पड़ा, पूरा जीवन भर खत्म हो गया। क्योंकि इतने महापुरुष साक्षात नारद मुनि, और जब श्रीवास ठाकुर ने दरवाजा खोला तो श्रीवास ठाकुर ने सब गांव सब नवदीप के वालों को बोला, हाँ देखो सत्य है, जो बोल रहा है वो सत्य है, हमको डिस्टर्ब मत करो, जाओ। श्रीवास ठाकुर नम्र है, उन्होंने तो श्रीवास ठाकुर यहाँ श्रीवास आंगन से नवदीप में गए थे भागवत कथा सुनने के लिए, वहां देवानंद पंडित भागुरी मुनि के अवतार भागवत की कथा कर रहे थे। और श्रीवास ठाकुर उस कथा में बैठ के साधारण भक्त की तरह भागवत को सुन रहे थे और उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार पैदा हो गया, आंख में आंसू आने लगा, रोम रोम श्वेत कंप पुलक आश्रु, सब विकार दिखाई दिए। तो देवानंद पंडित के शिष्य ने बोला, कोई पागल आ गया, उनको प्रेम का भाव हो रहा है और उनके शिष्य सोच रहे हैं कोई पागल। तो श्रीवास को उठा के बाहर फेंक दिया, श्रीवास ठाकुर समाधि में, और वो गुरु वो व्यास आसन में बैठा है, भागवत बोल रहा है लेकिन असली भागवत को समझ नहीं पा रहा। श्रीवास, दो भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और पुरुष भागवत, तो पुरुष भागवत को समझ नहीं पाता है, ग्रंथ भागवत की कथा कैसे कर सकता है। तो जब ऐसा हो गया तो तुरंत ही उस देवानंद पंडित का सर्वनाश हो गया, उसकी कथा में दूसरे ही दिन से कोई नहीं आने लगा, उसके मुंह में भागवत का बोलने की शक्ति भी नहीं थी, वो भागवत लेके बैठा था उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया, क्योंकि उसने श्रीवास ठाकुर जैसे महापुरुष का, जब महापुरुष का निंदा हो रहा था उसने रोका नहीं, उसके शिष्य को बोलना चाहिए था मत करो। तो इसलिए कितना भी महापुरुष हो लेकिन अगर वैष्णव निंदा हो जाए, शुक्ल पाणी सोम यदि वैष्णव शंकर जी के लेवल में अगर कोई व्यक्ति भी वैष्णवों की निंदा करता है तो भी अपने आप को नहीं बता पाएगा, इतना तो भगवान ने श्रीवास आंगन में दिखा दिया। श्रीवास ठाकुर की एक बुढ़िया थी, उसका नाम था दुखी, वो श्रीवास आंगन की लीला देखना चाहती थी, तो श्रीवास आंगन ने उसको एक बास्केट में छुपा दिया, तो उसमें से सब रात की संकीर्तन की लीला देखने लगी। भगवान 12 बजे उनका कीर्तन रुका, बोला इस घर में कोई और आया है, मेरे कीर्तन में कुछ अलग आ रहा है भाव, ढूंढो ढूंढो श्रीवास। तो श्रीवास ठाकुर ने ढूंढा ढूंढा, श्रीवास ठाकुर को तो पता ही है, बाद में श्रीवास ने हाथ जोड़ा बोला क्या करूं प्रभु की इच्छा, तो श्रीवास ने सुखी दुखी को सुखी बना, भगवान ने तो दर्शन दे दिए। इधर भगवान ने बोला श्रीवास को, ये तुम्हारे घर की दास दासियां, तुम्हारे घर के परिवार के जन और दास दासियां और यहाँ के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु भी मुझे मुझे मेरे खुद से ज्यादा प्रिय है। श्रीवास आंगन के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु भी भगवान को प्रिय है।
तो इसलिए अतिशय प्रिय स्थान है भगवान का। भगवान ने श्रीवास को यह वचन दिया कि महालक्ष्मी भी अगर गरीब हो जाएंगी, लेकिन श्रीवास तुम कभी गरीब नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर में मैंने नृत्य किया है, क्योंकि तुमको नित्यानंद प्रभु, एक्चुअली श्रीवास ने नित्यानंद का सेवा किया। नित्यानंद प्रभु जब पहली बार आए मायापुर में, तो नंदन आचार्य के भवन से श्रीवास शंकर में आए और व्यास पूजा हुआ। गुरु पूर्णिमा के दिन में वहां व्यास पूजा, वेद व्यास जी का फोटो रखा गया और श्रीवास ने नित्यानंद प्रभु के हाथ में माला दिया, बोलते वेद व्यास को चढ़ाओ। नित्यानंद प्रभु बिल्कुल स्टैच्यू की तरह हो गए, वेद व्यास को वो माला नहीं पहना रहे। तो श्रीवास ने बोला प्रभु को ये क्या है, आपके हिताई को क्या हो गया है, पागल हो गया है, भाव आ गया, वेद व्यास को माला क्यों नहीं पहना रहा। तो बाद में नीताई को जब ऐसा बोला तो नित्यानंद प्रभु ने वही माला गौरांग महाप्रभु के ऊपर डाल दिया। बोलते हे प्रभु, आप ही वेद व्यासों के भी व्यास हो, आप तो परम पुरुषो परम पुरुषोत्तम भगवान, आपकी पूजा करने से आपके सब अवतारों की पूजा हो जाती है। ऐसी बोल के जब नित्यानंद प्रभु ने गौरांग महाप्रभु के गले में हार डाल दिया तो बड़ा प्रकाश निकला भगवान के शरीर में से और भगवान ने अपना षडभुज रूप दिखा दिया श्रीवास अंगन में। बोलो षडभुज रूप की जय, श्रीवास अंगन धाम की जय। ये षडभुज रूप अलग स्वरूप था, पूरी में सर्वो भट्टाचार्य को जो दिखाया वो अलग है, पूरी में दो हाथ राम के, दो हाथ कृष्ण के, दो हाथ गौरांग के, लेकिन यहाँ निताई को जो षडभुज रूप दिखाया उसमें शंख चक्र गदा और पद्म थे चार हाथ में और दो हाथ से मुरली बजा। और नित्यानंद प्रभु ने दंडवत प्रणाम किया प्रभु को, बार बार गिर के उठ के प्रभु का स्तुति किया। बाद में अद्वैत आचार्य आए यहाँ, एक बार प्रभु को पूछा ये प्रभु आप छन्न अवतार हैं कलयुग के, लोग कैसे आपको मानेंगे, आपको भक्ति कैसे करेंगे, कुछ चमत्कार दिखाइए। तो प्रभु ने बोला हे अद्वैत क्या चाहते हो तुम, बोलते आप वही वस्तु दिखाइए जो भगवान कृष्ण ने दिखाया था, क्योंकि आप कृष्ण हैं तो आप भी दिखा सकते हैं। तो बोले क्या चाहिए तुम्हें अद्वैत, बोले आपका विश्व रूप दिखाइए जो आपने अर्जुन को दिखाया कुरुक्षेत्र। तो अद्वैत आचार्य को भगवान ने अपना विश्व रूप भी श्रीवास अंगन में दिखाया। बोलो श्रीवास अंगन धाम की जय, स्वरूप भगवान की जय। और अद्वैत आचार्य बहुत ही प्रसन्न, तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले अद्वैत मांगो मांगो श्रीवास अंगन में, मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ, क्या चाहिए। तो अद्वैत ने बोला हे प्रभु मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि आपका अवतार तो आए हैं आप, लेकिन जो आपसे दूर भागेंगे उनका क्या होगा, आप तो सबको प्रेम देने के लिए आए हैं लेकिन जो आपसे दूर भागेंगे उनका क्या होगा। तो प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि आपकी आपसे जो दूर भागेंगे उनके पीछे आप भागेंगे। माया मृगान तैलिप से तुम अन्य धावत पंदे महापुरुषते चरणारविंद, भागवत में ये श्लोक है कि आप उनका उद्धार करें। जो बिजनेसमैन है जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, जो चंडाल है, जो मतलब आपके कभी भी पास नहीं आएंगे, उनका उद्धार आप करेंगे, वो मुझे वरदान दीजिए। तो भगवान ने अद्वैत को भी वही वरदान श्रीवास। तो इसलिए भगवान ने 24 साल के बाद संन्यास लिया, वो कार्य पूरा करने के, क्योंकि संन्यास लेके वो जीवों के पीछे भागने लगे। जब तक वो नवद्वीप में थे तब तक गृहस्थ थे और उनके सब भक्तों के साथ यहाँ रस आस्वादन कर रहे थे रासलीला का, लेकिन संन्यास बनने के बाद वो जीवों के पास आए। इतना बड़ा परित्याग किया उन्होंने, अपने यशोदा सची माता और विष्णुप्रिया देवी और नवदीप जैसी परम धाम को छोड़ दिया भगवान ने हमारे लिए, जीवों के लिए। पूरा नवदीप
आंसुओं से भर गया समुद्र। श्रीवास ठाकुर को तो इतना दुख हुआ भगवान के वियोग में कि श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन में नहीं रह पाए। 24 साल के बाद श्रीवास जिधर भी मायापुर में बाहर निकलते थे सब जगह में उनको गौरांग का स्फूर्ति होता था कि यहाँ गौरांग ने ये लीला किया, यहाँ ये लीला किया। तो श्रीवास ठाकुर मायापुर में नहीं रह पाए, बेहोश हो जाते थे बार 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 भगवान के वियोग में। तो वो वापस छोड़ के कुमारहट्ट चले गए अपने धाम में, क्योंकि वो यहाँ उनको इतना विरह भाव हो रहा था। तो भगवान ने इतना दुख दिया अपने पार्षदों को, जैसे भगवान ने गोपियों के छोड़ के चले गए 11 साल की उम्र में मथुरा, वैसे ही नवद्वीप में भी वही लीला हो गई 24 साल की उम्र में। लेकिन अप्रकट रूप में भगवान श्रीवास आंगन में हमेशा के लिए रह गए, जैसे वृंदावन छोड़ के भगवान वसुदेव कृष्ण के रूप में जाते वृंदावन में रह जाते हैं, वैसे श्रीवास आंगन में नित्य भगवान रह जाते, यहाँ कभी नहीं छोड़ते। नवद्वीपम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, नवद्वीप को छोड़ के मैं एक पैर बाहर कभी नहीं रखता। तो यहाँ भी मैं अप्रकट रूप में हमेशा संपन्न होता है। तो जो वृंदावन के निधिवन सेवा कुंज का निकुंज है जहाँ रासलीला होती है, वैसे शिवा संगम का पूरा बगीचा है। अभी तो अदृश्य हो गया है लेकिन नित्य लीला में जिसकी आंखें हैं वो देख सकते हैं। 3 कंपार्टमेंट है उसके, एक अद्वैत आचार्य का है, एक गौरंग का है, एक नित्यानंद का है। इसे 3 महान बगीचे हैं। रात को यहाँ संकीर्तन करने के बाद जब भगवान रासलीला वृंदावन में करते हैं, बाद में 3-3:30 बजे राधा रानी के साथ विश्राम करते हैं, आपने देखा ना वो बेड जीवन में सेवा कुंज, वैसे गौरांग महाप्रभु का बेड इसके पीछे है, कुंज है, जहाँ भगवान यहाँ 3:30 बजे तक नृत्य लीला संकीर्तन करते हैं और रास लीला का स्मरण करते 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 उल्टा मत करो ऐसा रिकॉर्डिंग करो, नहीं नहीं ऐसा ऐसा हाँ। तो नृत्य करते थे और बाद में विश्राम करते थे और सब भक्त लोग उनको पंखा देते थे और भगवान अपने स्मरण में वो सेवा कुंज में निधि मन में चले जाते थे। 3:30 बजे से 5:30 बजे तक यहाँ विश्राम करते थे और फिर भगवान चल के योगपीठ में अपनी माँ के पास सोए चले जाते थे। 5:30 बजे फिर विष्णुप्रिया देवी उनकी पत्नी भगवान के चरण की सेवा करती है सुबह के टाइम में और भगवान आँख खोलते हैं, थोड़ा आधा 1 घंटा विश्राम करते हैं, फिर आँख खोलते हैं, फिर उनका दिन का नित्य लीला अष्ट प्रहर यह लीला चालू हो जाता है। लेकिन हर रात निशांत लीला कहते हैं उसको, निशांत लीला वो यहाँ श्रीवास आंगन में होता है। इसलिए ये श्रीवास आंगन भगवान का नित्य धाम है, भगवान का जन्म स्थान है योगपीठ, भगवान का लीला स्थान है श्रीवास आंगन। जन्म स्थान जैसे मथुरा है, मथुरा से ऊंचा है वृंदावन क्योंकि वहां रासलीला होती है, वैसे भगवान के जन्म स्थान से भी ऊंचा है श्रीवास आंगन। यहाँ भगवान का नृत्य संकीर्तन हुआ है, भूकंप होता था भगवान आकाश में नीचे छलांग लगाते थे और जैसे रासलीला में राधा और कृष्ण का नृत्य होता था हजारों गोपियों के साथ एक एक स्वरूप भगवान ने धारण किया था, वैसे यहाँ भी नाम संकीर्तन में भगवान ने सब भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति किया है। गोवर्धन की लीला भी यहाँ मौजूद किया कि भगवान श्रीवास के विष्णु खट्टा के ऊपर बैठ गए और भगवान ने बोला अनियोर 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 और लाओ आज मुझे भोजन करना है, मुझे बहुत भूख लगा है, इसे वृंदा गोवर्धन में किया था। तो सब भक्तों ने बहुत बना के खीर हलवा और अन्न और शाख अनेक प्रकार के व्यंजन अमला रसायन सब बना के दिया भगवान को, भगवान ने सब खा गए, पूरे मायापुर के सब घरों में से सब खा के हो गया। बाद में भक्तों को याद आया अरे वृंदावन में भगवान गोवर्धन में तुलसी से संतुष्ट हो गए, चलो भगवान को तुलसी का पत्ता दे दो अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो भगवान ने एक तुलसी का पत्ता दे दिया, भगवान संतुष्ट हो गए, फिर और कुछ नहीं मांगा। तो इस प्रकार से उसका भी लीला यहाँ हुआ। हरिदास ठाकुर को भगवान ने अपना
कपड़ा उठा के दिखाया, देखो तुम्हारे 22 बाजारों में जो तुमको चाबुक मारा था उसके बाद मेरे लिए यहाँ शिवा संगर में उसको भगवान के आने से पहले भगवान के गुरु जी गंगा नारायण चक्रवर्ती उनके पीछे मुसलमान लोग लग गए थे, तो गंगा के किनारे आ गए तो बोट में क्रॉस किया, तो तभी कोई नौका वाला नहीं था, तो भगवान नौका वाला बन गए और अपने गुरु जी को क्रॉस कराया था। भगवान के आविर्भाव के पहले की बात है, लेकिन शिवा सागर में जब गंगा नारायण आए तो भगवान ने याद कराया, देखो तुमको याद है एक दिन तुम्हारे पीछे वो लग गए थे, तुमको किसने बचाया? गंगा नारायण ने बोला वो तो नौका वाला था। तो भगवान ने बोला वो मैं ही था। तो यहाँ सबकी इच्छाओं को पूरी किया। श्रीधर खोला बेचा जो श्रीधर अंगन है शिवन का द्वीप में, उसकी भी इच्छाओं को पूरी किया, दिन रात भगवान का नाम लेता था वो, उसको भी भगवान ने अपना त्रिभंग श्याम सुंदर स्वरूप यहाँ दिखाया। अनंत आचार्य जो रामानुजाचार्य की इच्छा थी कि गौर लीला में अवतार लेंगे, अनंत आचार्य का अवतार हुआ, उनको लक्ष्मी नारायण का स्वरूप दिखाया गया श्रीवास अंगन में। यहाँ श्रीवास अंगन में जो भी इच्छा से आप आओगे वो इच्छा भगवान पूरी करेंगे। श्रीवास अंगन की जय। तो यहाँ कौन सी इच्छा करनी चाहिए वो मेन, राधा कृष्ण के दर्शन दीपक भाई की, और स्वरूप के दर्शन, और कोई इससे भी ऊंचा एक इच्छा है गोलोक में प्रवेश। अभी तो ऑलरेडी आप गोलोक में ही बैठे तो और किसी का, हाँ वैष्णवी ने सही बता दिया। देखो भगवान की लीलाओं को देखना वो उनके साक्षात दर्शन से भी आगे। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल पालम सदा मे मनस्या। शिवास अंगन में हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान आपका संकीर्तन लीला मुझे देखने को मिले, क्योंकि एक बार लीला का दर्शन करेंगे तो भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा, और उनके सब पार्षदों का दर्शन हो जाएगा, उनके धाम का दर्शन हो जाएगा, उनके परिकरों का, उनके वैशिष्ट्यों का, उनके गुणों का, सबका दर्शन हो जाएगा। लीला में नाम रूप गुण सब आ जाएंगे। तो इसीलिए श्रीवास अंगन में बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े जैसे वृंदावन में ऋषिचारी गोपी है, मुनिचारी गोपी है, साधना सिद्ध गोपी है, नित्य सिद्ध, ये सब गोपियां हैं रासलीला में प्रवेश करती हैं। वैसे श्रीवास अंगन में सब प्रकार के भक्तों को प्रवेश मिलता है उस लीला को देखने के लिए, अगर हमारे पास इच्छा होगा। और बाद में तो मैंने आपको खाली एक बूथ बताया है, यहाँ तो बहुत प्रकार की लीला हुई है। श्रीवास ठाकुर का एक बेटा रात को 12 बजे यहाँ मर गया, जब भगवान का नृत्य संकीर्तन चल रहा था तो अंदर श्रीवास ठाकुर का बेटा का मृत्यु हो गया, तो वहां उनकी पत्नी रोने लगी जोर जोर से सब स्त्रियां, तो श्रीवास ठाकुर अंदर गए, बोला चुप हो जाओ, वो तो बड़ा भाग्यवान है, भगवान के कीर्तन में उसकी मृत्यु हुई, वो तो गोलोक में चला गया, क्यों तुम इतना शोक कर रही हो? ये तुम्हारे रोने से अगर महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न होगा तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं, मैं गंगा में जाके अपना शरीर आत्महत्या कर दूंगा। भगवान के कीर्तन को रोकने वाले हम कौन है? हम तो शुद्र जीव है। तो सब स्त्रियों ने शांत हो गई और भगवान का कीर्तन का दर्शन करने लगी। लेकिन जब सुबह के 5-6 बजे तब भगवान ने कीर्तन रोका, बोला श्रीवास तुम्हारे घर में कुछ अशुभ हुआ है आज, बताओ मुझे। श्रीवास को बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अंत में सब भक्तों ने बताया कि हे प्रभु श्रीवास के पुत्र का देहांत हो गया है घर के अंदर। तो भगवान ने बोला किधर है, लेके आओ। तो बाहर लेके आए, भगवान ने उसकी छाती के ऊपर हाथ रखा, बोलो तुम क्यों चले गए, वापस आ जाओ। तो उसका आत्मा वापस आ गया उसके शरीर में और वो जीवित हो गया और प्रभु को प्रणाम कर रहा है, प्रभु तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, तव इच्छा मते जीवेर समृद्धि संगठन। आपकी इच्छा से जीव का मृत्यु होता है, जीवन होता है।
आपने क्यों बुलाया मुझे वापस? भगवान ने कहा मैंने तुमको श्रीवास का शोक, श्रीवास की पत्नी का मालिनी का शोक दूर करने के लिए तुमको वापस बुलाया। तो उस बेटे ने उपदेश दिया कि हमारे जन्म मृत्यु के चक्र में कितने माता पिता हो गए, लेकिन उसने कहा कि ये जीवन मेरा सफल हुआ कि मुझे परम भागवत श्रीवास ठाकुर के रूप में पुत्र मिला, पिताजी मिले और मुझे नाम संकीर्तन भगवान के दर्शन का अवसर मिला। इसलिए मैं अभी गोलोक में जा रहा हूँ प्रभु जी, हे प्रभु मुझे अनुमति दीजिए, ऐसे बोल के वो वापस चला गया। ये उसके शब्दों को सुन के श्रीवास ठाकुर के परिवार जनों का सब शोक मिट गया और चारों भाई श्रीवास, श्रीपति, श्रीनिधि और श्रीकांत चारों भाई आके उल्टा हो जाता है, चरणों में गिर गए, उल्टा हो जाता है। बोला हे श्रीवास मैं और नीता यहाँ से तुम्हारे बालक संतान, इधर जो लाइटिंग है ना ऊपर नहीं रहते, तले हो जाते हैं। देखते श्रीवास की आंखों में आंसू आ गए। कई प्रकार का लीला हुआ, ठाकुर जी सब मेरे पीछे बोले अद्वैत आचार्य का सात अक्षर का मंत्र है, बहुत ही सुंदर मंत्र है कलयुग में। सब मेरे पीछे बोले क्लिम अद्वैताय स्वाहा, क्लिम अद्वैताय स्वाहा,
अद्वैताय स्वाहा। श्री अद्वैताचार्य गोसाई की। तो अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहते थे, यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन जैसे ही कलयुग बढ़ने लगा वो पर दुख दुखी थे, सब जीवों की चिंता कर रहे थे दुख की। उन्होंने बोला अगर मेरे प्रभु नहीं आएंगे गोलोकपति कृष्ण साक्षात तो ये वृंदावन लुप्त हो जाएगा, वृंदावन का प्रेम कौन बांटेगा आके, कौन देगा जीवों को कलयुग में उद्धार, नारद मुनि भी नहीं कर पाए सहयोग देने के लिए। गदाधर प्राणनाथ कहते हैं क्योंकि महाप्रभु के साथ हमेशा गदाधर रहते थे, जब महाप्रभु को भाव होता था मेरे कृष्ण कहाँ है, कोथा गेला प्राणनाथ, कोथा गेला प्राणनाथ मेरे कृष्ण, तो गदाधर उनको शांत करते थे क्योंकि कृष्ण को राधा के सिवा कौन शांत नहीं कर सकता। गदाधर कहते महाप्रभु महाप्रभु कृष्ण आपके हृदय में, तो भगवान अपने छाती को फाड़ने लग जाते दिखाओ कृष्ण, तो गदाधर उनके हाथ को रोक देते नहीं कृष्ण आपको प्राप्त। गदाधर के मीठे वचन सुन के भगवान शांत हो जाते, माधुर्यमय। तो माधुर्य अवतार जो राधा और कृष्ण है वो औदार्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं गौर गदाधर के रूप में। गदाधर के सानिध्य में भगवान नवदीप नित्य लीला का आस्वादन करते हैं। जब गदाधर पंडित साथ में रहते हैं तो भगवान को ऑटोमेटिक राधा और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है, तो गदाधर पंडित नाट्य कीर्तन करते हैं और भगवान कीर्तन में जब मग्न हो जाते हैं गदाधर पंडित उनको आलिंगन करते हैं, तो उनको गिरने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित के गुरुजी का नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, भगवान उनको प्रेम से प्रेम निधि कहते थे, पुंडरीक विद्यानिधि। इतने महान वैष्णव थे कि वो गंगा जी में दिन में नहीं जाते थे, रात को जाते थे। क्यों पता है? गंगा का दर्शन करने के लिए दिन में नहीं जाते थे, रात को, क्योंकि दिन में उनको जब लोग स्नान कर रहे हैं कपड़ा धो रहे हैं कुछ गंगा में, उनको बहुत दुख होता था, और रात को जब कोई नहीं होता है तब गंगा में दर्शन करने जाते थे, और गंगा में स्नान कभी नहीं करते थे। पुंडरीक विद्यानिधि इतने महान वैष्णव, वो सोचते मैं इतना तुच्छ हूँ, मैं अपने पैर गंगा में कैसे डाल सकता हूँ, ये गंगा तो महान भगवान का चरणामृत है, भगवान साक्षात भगवान की परम भक्त है। इतने महान वैष्णव थे पुंडरीक विद्यानिधि। बाहर से वो बड़े धनवान थे, उनके हजारों दास दासियां थी, लेकिन अंदर से उनकी भक्ति बहुत अधिक थी। इसलिए मुकुंद गदाधर को प्रेमनिधि को पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने के लिए लेके गए, तो तभी पुंडरीक विद्यानिधि सोफा पे बैठ के अंगूर खा रहे थे बहुत धनवान अवस्था में। तो गदाधर पंडित के मन में डाउट आ गया कि ये कौन पुंडरीक विद्यानिधि, बहुत सिल्क के कपड़ा पहना है, सुरत सुंदर सुगंधी तेल बाल में लगाया है, ये कौन है पुंडरीक विद्यानिधि। तो गदाधर पंडित के डाउट को सुन के मुकुंद ने एक श्लोक बताया भागवत का, और पुंडरीक विद्यानिधि को ऐसा भाव आया कि वो बिल्कुल प्रेम में मूर्छित हो गए, 9 घंटे तक समाधि। उस समय में गदाधर को पता चला कि मेरे गुरु जी हैं पुंडरीक विद्यानिधि, क्योंकि वो वृषभानु जो राधा की पिताजी हैं बरसाना में राधा रानी के पिताजी वृषभानु के अवतार हैं पुंडरीक, और राधा रानी के अवतार हैं गौर गदाधर। हमारे राइट साइड में गदाधर है और लेफ्ट साइड में गौर है। जैसे राधा और कृष्ण, कृष्ण के लेफ्ट साइड में कौन रहता है? राधा रानी रहता है। वैसे ही गौरांग के लेफ्ट साइड में गदाधर पंडित, क्योंकि शक्ति है भगवान की शक्ति, गौरांगेर निज शक्ति पंडित गदाधर। तो और गौरांग है नित्यानंद बलराम है वो भगवान के राइट साइड में रहते हैं। बोलो गौर गदाधर भगवान की जय। भगवान अदृश्य हो गए तो भी तोटा गोपीनाथ में लीन हो गए, गदाधर के साथ में रहने लगे, तो भगवान ने गदाधर को कभी नहीं छोड़ा। अभी हम जाएंगे योग पीठ सब चरणों में।
बोले पाई चैतन्य गीता जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर तेनो प्रभु को सागेला आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर प्रेम धन करुणा प्रचोर जयानील प्रेम धन करुणा प्रचोर जय अद्वैत आचार्य जय अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य जय अद्वैत जय महाविष्णु जय अद्वैत महाविष्णु जय अद्वैत बोले श्री अद्वैत आचार्य ठाकुर जी सब मेरे पीछे बोले अद्वैत आचार्य का सात अक्षर का मंत्र है बहुत ही सुंदर मंत्र है कलयुग में सब मेरे पीछे बोले क्लिम अद्वैताय स्वाहा क्लिम अद्वैताय स्वाहा क्लिम अद्वैताय अद्वैत आचार्य गोसाई की तो अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रहते थे यहाँ से थोड़ा दूर है लेकिन जैसे ही कलयुग बढ़ने लगा वो पर दुख दुखी थे सब जीवों की चिंता कर रहे थे दुख की उन्होंने बोला अगर मेरे प्रभु नहीं आएंगे गोलोकपति कृष्ण साक्षात तो ये वृंदावन लुप्त हो जाएगा वृंदावन का प्रेम कौन बांटेगा आके कौन देगा जीवों को कलयुग में उद्धार नारद मुनि भी नहीं कर पाए कलयुग के लोग सुनने को तैयार नहीं थे इसलिए अद्वैत आचार्य ने चिंता किया और वो मायापुर में आ गए यहाँ उनका भवन था अपनी पत्नी सीता ठकुरानी जो कात्यायनी पार्वती का अवतार है कौन सीता ठकुरानी उनका नाम था उनकी पत्नी का साक्षात पार्वती थी क्योंकि अद्वैत आचार्य सदाशिव के अवतार हैं और महाविष्णु के अवतार हैं दोनों का सम्मिलित स्वरूप है जिसके रोम रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं उनका क्या नाम है महाविष्णु यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर महान सिय यस्य कला विशेषो गोविंद आदि पुरुषम अहम् भजामि ये महाविष्णु है जब सांस लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं सांस अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड चले जाते हैं तो वो साक्षात अद्वैत आचार्य के रूप में आए और उनके मायापुर में आने के बाद उनके मन में एक श्लोक याद आया पद्म पुराण का श्लोक कौन सा श्लोक तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणते स्वात्मानम् भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः तो अद्वैत आचार्य ने अपना शालिग्राम शिला लिया वहां रखा है बीच में शिला और गंगा का जल गंगा तब यहां से बहती थी बाजू में गंगा का जल लिया और तुलसी का पत्र लिया और रोज अपनी शिला को पूजा किया खाली गंगा का जल से और तुलसी का पत्ता से शिला को पूजा किया और भगवान बोलते विक्रीणिते सब आत्मान जो मुझे गंगा का पानी और तुलसी का पत्ता चढ़ाता है मैं बिक जाता हूँ स्व आत्मान मेरी आत्मा को बिक देता हूँ सब कुछ दे देता हूँ तो अद्वैत आचार्य ने पहले भगवान को परचेज कर लिया तुलसी का पत्र और गंगा का जल देने के बाद फिर भगवान को उन्होंने रिक्वेस्ट किया भगवान आप गोलोक से नीचे आ जाए हुंकार अद्वैत हुंकार गोलोक तक पहुंच गया और भगवान राधा और कृष्ण जब
बैठे हुए थे भगवान कृष्ण ने रणवेश चिंता किया हे राधे मुझे अभी संसार में कलयुग में जाना पड़ेगा मेरा परम भक्त अद्वैत आचार्य यहाँ तुलसी का पत्र और गंगा का जल लेके मुझे बुला रहा है और वहाँ हरिदास ठाकुर नवदीप में भी मुझे बुला रहा है जोर से नाम ले रहा है कीर्तन करके मेरे को पुकार रहा है और श्रीवास ठाकुर जय